हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, कल ना शाम को हस्बैंड मेरे सब्जी लेकर आए थे, बट मैं रात में थोड़ा बहुत कुछ काम किए, इसके बाद हम लोग रात में बाहर गए थे। आने के बाद दोस्तों मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं सब्जी जमाई नहीं हूँ फ्रिज में, तो बस आधे रात को मैं उठी थी ना, तो ऐसे ही डंडे की साथ में ही फ्रिज में रख दी थी। और जस्ट सुबह उठने के बाद सबसे पहले इन सबको, कड़ी पत्ता और धनिया पत्ती को, मैं अच्छे से ये दो ठोक छोटे छोटे बॉक्स में दोस्तों अच्छे से जमा दे रही हूँ। तो ऐसे रख देने से काफी लंबे समय तक चलता है दोस्तों, और कड़ी पत्ता का भी काफी ज्यादा यूज होता है और धनिया पत्ती का भी दोस्तों। तो थोड़ा सा ऐसे इंतजाम से रख दो तो और लंबा चलता है और हमेशा फ्रेश भी रहता है दोस्तों। धनिया पत्ती में थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा होता है दोस्तों, इस वजह से इसमें एक टिश्यू पेपर डाल के इसके बाद धनिया पत्ती रख दे रही हूँ। अगर धनिया पत्ती और ज्यादा होता तो बीच में भी टिश्यू पेपर रख के फिर उसके ऊपर से एक लेयरिंग और धनिया पत्ती रखती। तो बस दोस्तों, यहीं से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा भी अगर मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो सपोर्ट कीजिएगा। साथ में दोस्तों ऊपर मैं ऐसे नींबू भी रख देती हूँ, बच जाता है तो धनिया पत्ती के साथ में ही, कटा हुआ नींबू नहीं, बस ऐसे जो पूरा गोल रहता है ना वो हमेशा रख देती हूँ। तो इन दोनों को फ्रिज में जमा देती हूँ दोस्तों। इसके बाद अदरक को भी वॉश करके फिर रखूंगी। साइड में काम चल रहा है दोस्तों, तो जो लेबर वगैरह है ना उन लोग ना रेड टी पीना पसंद करते हैं, लाल चाय। तो बस यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई हूँ आलू छीलने के लिए। फटाफट बनाऊंगी दोस्तों आलू फोड़ का सब्जी, इसीलिए आलू छील रही हूँ। जैसा कि सबको पता है, आप लोग अभी तक मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो सुबह सुबह हस्बैंड मेरे जल्दी ही चले जाते हैं, 8:30, 9:30 ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है दोस्तों इस वजह से। तो फटाफट आलू छील के इसके बाद आलू को धोकर दोस्तों मैं कुकर में डाल दे रही हूँ, और इसके बाद इंडक्शन पे कुकर को रखकर दो विसल लगा लूंगी, जिससे कि अच्छे से आलू मेरा बॉईल हो जाए, थोड़ा भी हार्डपन नहीं रहे। किचन में काम करना स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक राउंड ना कपड़े को थोड़ा सा गीला करके एक राउंड पूरा अच्छे से ना स्लैब वगैरह को अच्छे से मैं एक बार पोंछ देती हूँ, कि रात में अगर कोई कीड़ा या कुछ भी इधर उधर हुआ होगा तो अपन क्या डायरेक्ट सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी काम फिर मैं प्लेटफॉर्म पे भी करते रहती हूँ दोस्तों, इसलिए मैं पहले एक राउंड पोंछ कर फिर ही खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा बहुत आज जो भी हुआ है वो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा ब्लॉग आज का ना बड़ा भी हो गया है। बट दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिएगा। कुकर को बैठा दी हूँ यहाँ पे, मैं डोंगे में दोस्तों निकाल ले रही हूँ आटा, जितना जरूरत है बस उतना ही पराठा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ दोस्तों रोटी। सबसे पहले मैं रोटी ही बनाई हूँ, ये रोटी मैं अपने लिए बना रही हूँ दोस्तों, जिससे कि मैं नाश्ता भी करूंगी और दोपहर का मेरा खाना भी हो जाएगा। कुछ भी मैं अलग से नहीं बनाती दोस्तों, जो है बहुत ही सिंपल खाना अपन डेली रूटीन में खाते हैं, या तो दाल चावल भुजिया या तो रोटी सब्जी। इतना बड़ा फैमिली और भी नहीं है दोस्तों कि अलग से 3-4 आइटम बनाऊं, घर में फैमिली होते तो बनाने में भी अच्छा लगता है। ये मैं पराठा बना रही हूँ दोस्तों हस्बैंड के लिए, जो मैं टिफिन बॉक्स में दे दूंगी। पराठा लास्ट में इसलिए बना रही हूँ दोस्तों क्योंकि ना फिर रोटी अच्छे से फूलता नहीं है, ऑयल लग जाता है तवे पे। तो फटाफट पतला पतला पराठा बना दे रही हूँ। हस्बैंड मेरे पतला पतला पराठा पसंद करते हैं, थोड़ा भी मोटा रहता है ना तो उनको पसंद नहीं आता है। और पराठा कभी भी बनाइए ना दोस्तों, तो आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे बनाइए। हाई फ्लेम पे पराठा बनाएंगे तो पराठा बहुत सॉफ्ट रहता है ठंडा होने के बाद भी। यहाँ पे फ्रेंड्स बॉईल आलू को रख ली हूँ प्लेट में, छील तो पहले ही ली थी। कड़ी पत्ता अदरक खींच के ले ली हूँ दोस्तों, जीरा है, हींग है, और ये यहाँ पर टमाटर, 3 बड़े टमाटर काट करके, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर ले ली हूँ दोस्तों, हरा धनिया कट करके, और 3 हरी मिर्च को भी ले ली हूँ दोस्तों। बस इन्हीं सब चीजों को डाल करके दोस्तों मैं बनाऊंगी आलू फोड़ की सब्जी। कुकर में दोस्तों मस्टर्ड ऑयल ऐड करी, मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद जीरा ऐड करी, जीरा के बाद अदरक डाली हूँ दोस्तों, इसके बाद हींग डाल दी हूँ, हींग डालने के बाद टमाटर डाल दी हूँ, टमाटर के साथ में ही दोस्तों धनिया पत्ती और कड़ी पत्ता भी डाल दी हूँ। कड़ी पत्ता पहले ही डालते हैं दोस्तों छौंक में, बट ना बहुत ज्यादा तेल इधर उधर फैलता है और गंदा हो जाता है, इसलिए मैं लास्ट में डालती हूँ।
और इसके टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दी, सभी मसालों को अच्छे से भून दी हूँ दोस्तों। भूनने के बाद यानी टमाटर गल गया, फिर आलू फोड़ की सब्जी है तो आलू को दबा दबा के फोड़ के अकॉर्डिंग जितना जरूरत था उतना पानी डाल के विसल लगा दी हूँ। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह निकले थे दोस्तों उन सभी चीजों को वॉश करके बास्केट में डाल दी हूँ। रोटी भी मेरा बन चुका है और गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। और ये देखिए खिड़की से ही थोड़ा बहुत शूट करके आप लोग को दिखाई हूँ, अभी ताला नहीं खोली हूँ। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, रात में बारिश हुई थी दोस्तों तो थोड़ा बहुत अभी रोड गीला भी है और मौसम अच्छा हो गया है तो मन भी अच्छा लग रहा है। हस्बैंड मेरे उठ गए हैं दोस्तों, तो ये चाय वाला ही बर्तन था जिसमें कि थोड़ा सा ही दूध बचा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा मतलब ऐसे बाउल में मैं रख दी थी, गंज टाइप का है, कटोरी नहीं है, इसमें चाय बना सकते हैं तो डायरेक्ट मैं दूध में ही चाय बना दे रही हूँ। टेस्ट अकॉर्डिंग जितना मुझको जरूरत है दोस्तों चाय पत्ती डाल दे रही हूँ और इसके बाद शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर थोड़ा सा कम डालती हूँ मैं अपने चाय में और हस्बैंड के चाय में थोड़ा सा ज्यादा डालती हूँ। देख सकते हैं आप लोग सब्जी मेरा रेडी हो चुका है। सब्जी में बहुत अच्छा अभी फ्रीक्वेंस आ रहा था दोस्तों, सिंपल एंड टेस्टी सब्जी। जब भी मेरा मन करता है कुछ भी जल्दी बनाना है और नहीं है हरी सब्जी तो फिर मैं ये भी बना लेती हूँ दोस्तों, ग्रेवी वाला मुझे पसंद आता है। चाय यहाँ पे बन चुका है दोस्तों, चाय अच्छे से बॉईल हुआ, इसके बाद अदरक भी डाली हूँ थोड़ा सा और पूरा दूध में ही चाय बनाई हूँ और हल्का सा अदरक डाली हूँ। बहुत ज्यादा अदरक मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है तो थोड़ा सा डाली हूँ, एकदम हल्का सा टेस्ट आ जाए। और इसके बाद यहाँ पे चाय निकालनी हूँ, हस्बैंड चाय पी लिए दोस्तों, टिफिन वगैरह उनको पैक करके दे दी, वो चले गए हैं। इसके कुछ देर बाद का क्लिप है दोस्तों, सारा बेड वगैरह अच्छे से जमा दी हूँ, डस्टिंग वगैरह कर दी हूँ, झाड़ू लगा ली हूँ, इसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ और यहीं से आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लिप शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाता है सब कुछ शेयर करने पे दोस्तों। दोनों बेडरूम पोछने के बाद मैं किचन एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, तो कुछ ऐसा ही मेरा समय बीतता है दोस्तों। पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है जल्द से जल्द कर लूँ, नहीं तो फिर पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करते नहीं बनता है। तो हॉल में भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ दोस्तों। और हाँ, आज ना दोस्तों मैं अपने ना हॉल का ना पूरा कारपेट वगैरह हटाई हूँ, बाहर ग्रिल में 3 डोरमेट था वो सब भी हटा दी हूँ दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, डायरेक्ट मैं आप लोग से गुड इवनिंग शाम को मिल रही हूँ दोस्तों। कैसा लग रहा है मेरा ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जो भी की हूँ दोस्तों वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। साइड में जो बाजू वाला जो हम लोग का प्रॉपर्टी दोस्तों उसमें काम चल रहा है, मैं देखती हूँ तो नेक्स्ट ब्लॉग में हो सके तो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। थोड़ा बहुत मैं शूट करी हूँ लेकिन ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था ना तो फ़ोन हीट हो जा रहा था, फ़ोन हीट होने से वीडियो रिकॉर्ड नहीं ले रहा था दोस्तों। तो चलिए अगर हो सकेगा तो मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी दोस्तों, क्या बन रहा है अभी, क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हो सके तो शेयर करूँगी। और बहुत दिन से सोच रही हूँ साइट पर जाऊँगी तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट जाती हूँ लेकिन शेयर नहीं की हूँ आप लोग के साथ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, बाहर में ना सीढ़ी पे पूरा सीमेंट का बोरी रखा है तो छत पर जाते नहीं बन रहा है, बाहर में काफ़ी डस्ट है। बस मैं कैसे भी करके बस मशीन में कपड़ा धो ली हूँ, मतलब लेबर लोग चले गए हैं ना, इसके बाद अभी शाम को धोई हूँ दोस्तों, क्योंकि दोपहर में तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट, क्योंकि बीच बीच में सीमेंट ले रहे हैं, पाइप ले रहे हैं, पानी का पाइप गया हुआ है पूरा अंदर बाहर, मतलब गंदा गंदा। तो ये सारा कुछ दोबारा से अच्छे से क्लीन करी हूँ, सुबह नहीं की थी सिर्फ झाड़ू लगाई थी दोस्तों। और ये देखिए इस रूम में मैं ऐसे चेयर पे ना कपड़े डाली हुई हूँ दोस्तों, और अभी फ़ैन ऑफ की हूँ क्योंकि आप लोग से बात कर रही हूँ, इसके बाद मैं फ़ैन ऑन कर दूँगी तो यहीं पर ही सारा कपड़ा सूखेगा क्योंकि डस्ट बाहर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और छत पर मैं डाल देती कपड़ा, छत पे आराम से सूख भी जाता, लेकिन ना जो मेन सीढ़ी है सीढ़ी के ऊपर ही सीमेंट का बोरी रखा हुआ है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ एक मिनट क्या है, क्या प्रॉब्लम है दिखाती हूँ एक मिनट दोस्तों। लाइट जितना जरूरत है उतना ही लाइट जलाती हूँ दोस्तों इस वजह से, ये देखिए ये दिख रहा है ना, ये शूज धोने के लिए है इसलिए मैं यहाँ पे रहने दी हूँ, और ये चप्पल एक रहने दी हूँ पहनने के लिए वॉश करके, और मैं भी अपना मतलब रखी हूँ अंदर में ही। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा डोरमेट थे यहाँ पर, 3 डोरमेट था दोस्तों, वो सब कुछ मैं रख दी हूँ। फिर इसके बाद ये वाले रूम में देखें आप लोग देखे होंगे कारपेट,
क्योंकि मेरे को एकदम से फीलिंग्स आ रही थी कि धूल आ रहा है, कितना भी दरवाजा बंद है तो भी ये सब चीजें ऐसा है कि डस्ट ना हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए दोस्तों, यहीं पे सीमेंट रखा, तो इस पे से मैं ऐसे छत पर कैसे जाऊं। और वो कटिंग करने वाला रॉड, कटिंग करने वाला मशीन है, इतना आइटम है। बाकी और भी आइटम है जो सीढ़ी के पीछे रखा है, रेती गिट्टी घर के पीछे रखा है। मैं देखती हूँ, तो मैं अगर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी, कोशिश करती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बस यही सब है। तो ऐसे ही मैं कपड़े डाल दी हूँ, लाइट ऑफ कर देते हैं। ऐसे ही गर्मी के समय में बिजली बिल ज्यादा आता है एसी चलने से, तो मैं कोशिश करती हूँ जहां जहां मैं चलती हूँ, जहां मैं रहती हूँ बस उतना ही ऑन करती हूँ दोस्तों, और बाकी मैं ऑफ कर देती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, दो आलू बॉईल करी हूँ, बहुत समय से मेरे पास रखा है दोस्तों वो क्या बोलना चाहिए, गुपचुप, गुपचुप का पैकेट रखा है, लेकिन मैं कोई फैमिली नहीं इकट्ठा हो रहा है, और कभी इकट्ठा भी हुआ है तो बहुत कम टाइम के लिए, इस वजह से मैं छान नहीं पा रही और बना भी नहीं पा रही। मुझे इच्छा है था कि कोई आएगा ना तो सब मिलके एक साथ गुपचुप खाएंगे, तो मन भी लगेगा खाने में और बनाने में भी, लेकिन कोई आ नहीं रह रहा और बन भी नहीं पा रहा, तो मैं जा रही हूँ गुपचुप बनाने, बस कुछ नहीं। हाँ, गुपचुप को फ्राई करके और उसमें आलू का चोखा फिल करके और बस प्याज लेके खा लूंगी। तो आलू यहाँ पे बॉईल कर दी हूँ, थोड़ी सी धनिया का चटनी बना लेती हूँ जो कि आलू के मिश्रण में मैश करके डालने के लिए, और मेरे पास चाट मसाला तो है नहीं तो डाल नहीं पाऊंगी, तो बस वही तीखी तीखी चटनी डाल दूंगी। सेव मिक्सचर है, प्याज है, बस थोड़ा सा खाने का इच्छा हो रहा है दोस्तों, खा लूं फिर इसके बाद बनाऊंगी खाना। खाना भी सिर्फ मुझे अपने लिए बनाना है। सुबेरे तो मैं रोटी खाई थी, हस्बैंड को पराठा दी थी, रोटी रोटी यही चला, तो थोड़ा सा चावल खाने का इच्छा है, तो देखती हूँ पहले गुपचुप बना लूँ, इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। थोड़ा सा ही बनाऊंगी दोस्तों, एकदम नाप कर बचे मत, क्योंकि हस्बैंड नहीं आने वाले हैं, वो गए हैं टिल्डा, तो कल आएंगे, अचानक ही गए हैं तो टिल्डा गए हैं, कल आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा ब्लॉग में। सुबह ही ना फ्रेंड्स, सारे बर्तन के साथ में मसाले का बॉक्स भी खाली करके अच्छे से वॉश करके रख दी थी, तो देखिए अच्छे से सूख चुका है। इसके बाद मसाले इसमें फील भी कर दी हूं, और कुछ बॉक्स जो खाली है ना तो उसमें मसाला फील करूंगी, लेकिन पैकेट अभी अंदर है, निकालना होगा। तो अभी मैं बस ऐसे ही रख कर इसको सेल्फ पे जगह पे रख दे रही हूँ, बीच बीच में ऐसे ही लगे हाथ किचन का हर एक बॉक्स हर एक चीज साफ करते रहती हूँ दोस्तों, जिससे कि ना क्लीनिंग बने रहे, नहीं तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, और एक साथ करो तो बर्डन भी बढ़ जाता है। आलू बॉईल करके मैश कर ली हूँ, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दी हूँ, यहाँ पे ली हूँ थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए, और ये है फ्रेंड्स धनिया और हरे टमाटर का चटनी, लहसुन और हरी मिर्ची डाल के दोस्तों, नमक डाली हूँ ऊपर से, अभी मिक्स करना है। और ये मैं ले ली हूँ दोस्तों सेव मिक्सचर, आलू भुजिया है, बेसन वाला भी था बट वो नहीं निकाल के यही ले ली क्योंकि ये पैकेट ओपन था। और यहाँ पर अपन फ्राई कर लेते हैं गुपचुप। ये रहा दोस्तों गुपचुप का पैकेट, बहुत ज्यादा बड़ा पैकेट है, पर कोई ऑप्शन नहीं रहता, डी मार्ट में ना ये बड़ा पैकेट ही मिलता है, देख सकते हैं 1 केजी का। तो चलिए मैं इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, बिना स्टैंड लगाए ना वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे का क्लिप आप लोग को शेक होता हुआ भी नजर आएगा। तो वैसे ही दोस्तों मैं ना जितना मुझको गुपचुप रिक्वायरमेंट है बस उतना ही मैं ऐसे फ्राई कर ली हूँ। आप लोग भी आइए मेरे घर, मैं आप लोग को भी खिलाऊंगी कभी समय निकाल कर मेरे घर आइए दोस्तों। तो बस यहाँ पर मैं जो चटनी पीसी थी ना दोस्तों, उसको आलू के चोखे में अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, काला नमक भी ऐड कर दी हूँ, बस इतना ही डाली हूँ, और फिर अच्छे से फोड़ कर गुपचुप को उसके अंदर चोखे को फील कर दी हूँ, फिर बारीक चॉप प्याज और सेव मिक्सचर डाल दी हूँ दोस्तों, और ऊपर से हल्का सा नमक भी छेड़ दी हूँ। बस ऐसे ही सिंपल सा बनाई हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत मंचिंग करने के लिए, तो आप लोग भी टाइम मिलता है तो कभी ना कभी ऐसे बनाकर शाम को खा लीजिए। मैं खुद बहुत समय बाद खा रही हूँ, लेकिन मैं खा रही हूँ तो आप लोग को भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी खाइए ऐसे। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा खाई, मुझे तो बहुत बहुत टेस्टी लगा, तो आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा घर में, मतलब फैमिली के साथ तो बहुत मजा आएगा खाने में, कि बनाते जाएं और कोई खाए भी साथ में, बहुत मजा आएगा। तो मैं एक दो पीस खाई हूँ दोस्तों, एकदम अच्छा लग रहा है, नेचुरल टेस्ट, थोड़ा सा चाट मसाला रहता ना ऊपर से डालते तो और अच्छा लगता। रही बात, मैं मिक्सचर थोड़ा सा कम डाली हूँ ताकि मिक्सचर अपना फ्लेवर ना देने लगे, मुझे आलू और प्याज का फ्लेवर चाहिए, और चटनी था ना उसका तीखा तीखा। तो देख सकते हैं दोस्तों खाने में वाकई में बहुत टेस्टी है, तो आप लोग भी कभी ट्राई जरूर कीजिएगा,
ट्राई तो किए होंगे बट फिर से बनाइएगा। हम लोग ना आलस करते हैं और बाहर से जाके फटाफट खा लेते हैं, बट इतना भी टाइम नहीं लगता है, बन गया फटाफट। सो फ्रेंड्स, गुपचुप खाने के कुछ देर बाद मैं बनाई अपने लिए चाय दोस्तों, और मौसम अच्छा है तो चाय तो पीना बनता है, मेरा फेवरेट है दोस्तों। दो टाइम तो मैं जरूर चाय पीती हूँ, कभी स्किप हो गया तो अलग बात है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।